अस्सलाम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आप अदालत के कुछ ऐसे मनाजर देखेंगे जिन पर शायद आपको भी यकीन ना आए। पहले जब जहीर और शब्बीर अदालत में पेश होते थे तो वो इस तरह से अदालत में आते थे जैसे उन्होंने केस जीत लिया हो, लेकिन आज साफियों की जानब से जब जहीर और शब्बीर समेत चार मुलजिमान को अदालत से वापसी जेल ले जाया जा रहा था, उस वक़्त सख्त सवाल किए गए, लेकिन ना तो आज जहीर, शब्बीर और बाकी चार मुलजिमान की गर्दने ऊपर उठी और आज जो था उनको बाकायदा एक हथकड़ी में भी लाया गया। जैसा कि आज सुबह से यही कहा जा रहा था कि जहीर और शब्बीर, चूँकि पहले भी इनको जब पुलिस की जानब से गिरफ़्तार किया गया उस वक्त भी इनको हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई, तो ये चूँकि एक मुनज़्ज़म गैंग है जो काफ़ी पहुँच रखता है, हो सकता है कि आज भी इनको हथकड़ियाँ ना लगें। लेकिन आज अदाकारा समेत तमाम जहीर गैंग के जितने भी मुलजिम हैं वो आज जो हैं वो आज खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि आज उनको वाज़ेह पता चल चुका है कि आज वो केस हार चुके हैं और आज जहीर और शब्बीर अदालत में आंसू बहाते रहे और आज उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। और इसके बाद अब जो है जहीर और शब्बीर के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं और जैसा कि अभी आपने देखा कि जब सहाफ़ी की जानब से जहीर से सवालात किए गए कि अब आपको थोड़ी सी शर्म तो आ रही है कि नहीं आती, तो उस पर भी जहीर की जानब से गर्दन भी ऊपर तक नहीं की गई, जबकि पिछली पेशी पर जब जहीर और शब्बीर अदालत में आए थे तो वो उनका कुछ इस तरह का आने का अंदाज सा था कि जैसे उन्होंने वो केस जीत लिया था। आज मेहदी अली काजमी के घर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का समा है, क्योंकि इन मुलजिमों की जो असल जगह थी, जो असल मकाम था, आज इनको मिल चुका है और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द दुआ जहरा भी अपने वालिदैन के पास चली जाएगी। पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद हो और करोड़ों धड़कने जो ये मुकाम देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, ये लम्हा देखने के लिए जब जहीर शब्बीर को हथकड़ियाँ लगेंगी आज सुबह से मुंतजर थे। आज करोड़ों जो लोग थे उनकी मुरादें भी पूरी हो गई और आज जहीर शब्बीर को बाकायदा हथकड़ी लगा कर ही अदालत में पेश किया गया और हथकड़ी लगा कर ही अदालत से ले जाया गया।